10 जून शुक्रवार को मुरादाबाद की जामा मस्जिद में अन्य शुक्रवार की नमाज की तरह इस शुक्रवार को भी नमाज संपन्न हुई। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई थी कि 10 जून को भारत बंद रहेगा। इसी के मद्देनज़र 9 जून की शाम को ही शहर इमाम हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद ने ज़िला प्रशासन को भी एक ज्ञापन दिया था, जिसमें बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा था। साथ ही शहर इमाम हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद ने अपील भी की थी कि 10 जून को कोई बंद नहीं रहेगा और अफवाह पर ध्यान ना दें। इसी के मद्देनज़र शुक्रवार को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जुम्मे की नमाज संपन्न होने के बाद नमाजी जैसे ही जामा मस्जिद चौराहे पर आए तो अचानक जमकर नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी करने वाले लोग पहले जामा मस्जिद चौराहा, उसके बाद GIC चौराहा और फिर हाफिज़ बन्नी की पुलिया होते हुए इंदिरा चौक के चौराहे पर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। प्रशासन के अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को समझाया और घर जाने की अपील की, किंतु प्रदर्शनकारी पुनः जामा मस्जिद चौराहे पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। हालात बिगड़ते देख कर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया है और मुरादाबाद की स्थिति सामान्य है। देखिए, हम आपके संज्ञान में लाते हैं कि पूरे जनपद मुरादाबाद में जुमे की नमाज़ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है और इसके लिए निश्चित रूप से सभी जनपदवासी जो सौहार्द आज इन लोगों ने बनाया है इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय बात नहीं है। जामा मस्जिद के बाहर कुछ युवकों ने नमाज के बाद नारेबाजी की, जिनको समझा बुझा कर उनको घरों को भेज दिया गया है, तो इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति नहीं है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से हम लोगों के नियंत्रण। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।